हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवानी वेलकमिंग यू टू माय चैनल। दोस्तों, जब भी आप किसी कन्फेक्शनरी शॉप पे गए होंगे, केक पेस्ट्रीज के साथ ही एक ऑल टाइम अट्रैक्टिव एंड फेवरेट ऑफ ऑल चीज रखी देखकर आप उसको भी खरीद के खूब मजे से जरूर खाते होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, वो टेस्टी यमी चीज है क्रीम रोल। तो आज मैं आपको इसी की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, क्रीम रोल के रोल बनाने के लिए मैंने आधा किलो मैदा ली है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। इसमें एक कटोरी रिफाइंड और थोड़ा सा नमक डाल के गूंद लेंगे। ना टाइट ना लूज, बिल्कुल नॉर्मल जैसे आटा होता है वैसे ही गूंद के 5 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। अब ये जो आटा है, इसकी हम बड़ी बड़ी लोई काट के बेल लेंगे और उस पर लगाएंगे पिघले हुए बटर की लेयर, और इसको फोल्ड करके क्लिंग फिल्म या किसी भी पॉलिथीन में रख के फ्रिज में रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। और यही प्रोसेस हमें 3 बार करना है, यानी 30 मिनट्स के बाद निकाल के फिर बेलिए, फिर बटर की लेयरिंग कीजिए और पैक करके क्लिंग फिल्म में फिर से रख दीजिए फ्रिज में। ये आपको 3 बार करना है। फ्रेंड्स, रोल के लिए कोन मैंने चार्ट पेपर पे फॉइल लगा के घर पे ही बना लिए हैं। अब जो हमारी फाइनल आटे की लोई है, उसको हम बेल लेंगे और एक ही साइज की स्ट्रिप्स काट लेंगे। और अब हम अपने कोन्स के ऊपर ये जो स्ट्रिप्स काटी हुई हैं आटे की, इसको ऐसे फोल्ड करते करते गोल गोल लगाते हुए बना लेंगे अपना कोन। याद रहे कि बीच में बिल्कुल भी जगह ना छोड़ी जाए। अब मैं ये रेडी कोन्स एयर फ्रायर में 190 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए रख दूंगी और बीच में मिल्क और बटर की ब्रशिंग भी जरूर कर दूंगी। फ्रेंड्स, आप एयर फ्रायर की जगह अपने ये कोन्स रोस्ट कर सकते हैं किसी पतीले में नमक डाल के, उसके ऊपर प्लेट स्टैंड रख के और प्लेट रख के फिर आप अपने ये कोन्स उस प्लेट पर रख के ढक के बना सकते हैं। फ्रेंड्स, क्रीम को व्हिप करने के लिए हमें 2 बड़े बोल चाहिए होंगे। एक बड़ा बोल जिसमें हम आइस क्यूब्स डालेंगे और उसके ऊपर जो दूसरा बोल होगा वो उससे छोटा होगा, जिसके अंदर हम अपनी क्रीम व्हिप करेंगे। फ्रेंड्स, हम इन 2 बोल्स को और ब्लेंडर के ब्लेड्स को फ्रीजर में रखेंगे ताकि वो अच्छी तरह से ठंडे हो जाए। अब हम बनाना शुरू करते हैं क्रीम। देखिए, हमारे कोन्स अब इस तरीके से इतने बढ़िया रेडी होके निकल आए हैं। और अब मैं इनको अपने जो कोन्स हमने बनाए हैं उसमें से मैं ये रोल्स जो हैं निकाल लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स ऐसी हमारी क्रीम व्हिप करके आ गई है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मैंने इतनी ही कंसिस्टेंसी की क्रीम ली है। आपको अगर और हैवी क्रीम करनी है आप और ब्लेंड कीजिए और हैवी क्रीम हो जाएगी। अब मैं इन कोन्स में क्रीम फिल कर लेती हूँ और उनको डेकोरेट कर देंगे हम टूटी फ्रूटी चेरीज से। तो लीजिए, तैयार हो गए हैं हमारे बढ़िया यमी क्रीम रोल्स।